प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार न्याय प्रदान करने में देरी को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है तथा न्यायिक ताकत बढ़ाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे से सुधार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि केस प्रबंधन के लिए आई सिटी को लागू किया गया है और न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों को भरने का प्रयास जारी है। पूर्व महान टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को 2.5 साल जेल की सजा। टेनिस के पूर्व महान खिलाड़ी बोरिस बेकर को दिवालियापन के मामले में अदालत ने 2.5 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें दिवालिया घोषित होने के बाद बैंक खाते से अवैध रूप से हजारों डॉलर हस्तांतरित करने के मामले में दोषी पाया है। 3 बार के विंबलडन चैंपियन को इस महीने की शुरुआत में दिवाला अधिनियम के तहत 4 आरोपी में दोषी ठहराया गया था। मामले में अधिकतम 7 साल जेल की सजा का प्रावधान है। बीते 24 घंटों में कोविड हॉटस्पॉट बनी दिल्ली। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,688 नए मामले सामने आए, जबकि 2,755 लोग डिस्चार्ज हुए। इस दौरान 50 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को सक्रिय मरीजों की संख्या में 883 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शुक्रवार की 60 मौतों की तुलना में शनिवार को मौत का आंकड़ा 50 रहा। दतिया जिले को मिली 20 चिकित्सा एम्बुलेंस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज जिला चिकित्सालय दतिया सहित जिले के अन्य अस्पतालों के लिए 20 नए एम्बुलेंस वाहन का शुभारंभ किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी दूसरी खबरों के साथ में। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पर नजर। दिस इज परिधि साइनिंग ऑफ एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू खबरी।